दोस्तों आज हम चैनल मैसेज लेकर आ गए हैं। क्या है आज की एनर्जी और क्या इफेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ रहा है? दोस्तों ये एनर्जी 11-1 के पोर्टल के बाद की है। इसका क्या इफेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों एक सुनहरियो में हमारे डीएफ ने अपने डीएम को लेट गो किया है और खुद को डिवाइन की ओर मर्ज कर अपनी सोल ग्रोथ पर वर्क कर रही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आ खड़ी हुई हैं। कुछ थर्ड पार्टी के इश्यू और कुछ कार्मिक का एंटर जो उससे फाइट करती नज़र आ रही हैं। साथ ही डीएम का कमिटमेंट इश्यू के चलते वो काफ़ी टूटा हुआ फील और हारा हुआ फील कर रही थी और लो वाइब्रेशन में चली गई थी कुछ सोल, बट अब उन्होंने खुद को स्ट्रोंग किया है और बहुत सारा इनर वर्क करती नज़र आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हो गया है, सब कुछ शून्य पे आ गया है, अलोननेस को फील कर रही हैं। जिस टीम से वह अनकंडीशनल लव करती थी उनकी लाइफ में बस एक वही हैप्पीनेस थी। डीएम के रूखे बिहेवियर के चलते और कमिटमेंट इशू के चलते वो काफ़ी हर्ट हो गई हैं और सोच में आ रही हैं कि जब यह रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाएगा तो मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ। उनके मन में डाउट क्रिएट हो रहे हैं डीएम को लेकर, सो वे खुद को डिस्टेंस में रखना ही बेटर समझ रही हैं। और हमारी क्यूट सी डीएफ ने अपनी डीएम को एनर्जी देना बंद कर दिया है और खुद पर फोकस बनाए हुए हैं। उनके ऐसे बिहेवियर के चलते जब डीएम को डीएफ की तरफ से एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। वो डेली की भाग तोड़ में लगे हुए हैं बट उनका मन अपनी डीएफ के बिना नहीं लग रहा है और एनर्जी लो के कारण उनका फोकस काम में भी नहीं लग पा रहा है। उनकी होप एकदम से खत्म होती नज़र आ रही है। एक्चुअल में डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उन्हें अपनी डीएफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें या साइन यूनिवर्स द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वो कंटिन्यू लो और पेन को फील कर रहे हैं और अपनी डीएफ के अनकंडीशनल लव को मिस करते नज़र आ रहे हैं और कुछ डीएम रो भी रहे हैं। काफ़ी तकलीफ और पेन से गुजर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और अपनी डीएफ के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं और अलोननेस में वह आ रहे हैं और घुटन में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी डीएफ उनसे दूर क्यों है, क्यों डिस्टेंस में है, फिर भी वो उसे शॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी सोच यही आ रही है, कहीं मैं इस सिचुएशन से हार कर या परेशान होकर अपनी डीएफ को वह सब बोल दूं जो वो चाहती है और इन फ्यूचर में उसे नहीं दे पाया तो वो टूट जाएगी, दुखी हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं अब वही कमिट करूं जो मैं इन प्रेजेंट में उसे दे सकूं। सो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस कारण वो वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और अपनी डीएफ का फ़ोन मैसेज का वेट कर रहे हैं बट खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं। कल रात या फिर यूं कहें कि 10 तारीख की रात से ही वे बहुत बेचैनी और एंजाइटी को फील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो अचानक से हुई है। ऐसा नहीं कि हमारे डीएम इस रिलेशनशिप को निभाना नहीं चाहते, वो अपनी सांस के अंतिम पल तक उसे निभाना चाहते हैं, चाहे दूर से चाहे पास से। वो अपनी डीएफ से काफ़ी प्रेम को फील करते हैं पर वो किसी झूठे कमिटमेंट में नहीं रखना चाहते। वो गोइंग ऑन फ्लो जाना चाहते हैं क्योंकि दोनों की लाइफ में फैमिली, सोसाइटी या फिर थर्ड पार्टी के चलते ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिन्हें फाइट करते करते भी वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे डीएम एक्सेप्टेशन और सरेंडर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से हारा हुआ फील कर रहे हैं। इस टाइम जो भी लोग उन्हें पहले हेल्प किया करते थे वो उनको
हेल्प करने से पीछे हट रहे हैं, या फिर अगर वो बिजनेस करते हैं तो उन्हें बिजनेस में काफ़ी लॉस हो रहा है। चारों तरफ से उन्हें पैसे का नुकसान भी हो रहा है, जिस कारण से वह बिजनेस या काम या अपने कैरियर को लेकर भी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही वह DF की ओर से भी हैप्पी नहीं है। तो इन सब से परेशान होकर वह डिवाइन की ओर अपना रुख कर रहे हैं और सरेंडर और एक्सेप्टेशन की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि वह इन सब चीज़ों से काफ़ी टाइम से फाइट करते नज़र आ रहे हैं बट उन्हें शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो परेशान होकर डिवाइन की ओर आ रहे हैं और DF से भी एक्सेप्टेशन में आने को बोल रहे हैं, बट हमारी DF सब समझती है, बट वो चाहती है कि भले ही छोटे सही पर DM को एक बार DF को कमिट करने में क्या प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर जो होगा वो देखा जाएगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगी, बट एक बार झूठे ही बोल दे। बट हमारे DM अपने DF को किसी भी तरह से झूठा आश्वासन नहीं देना चाहते। सो बहुत सी ट्विन सोल्स में ईगो क्रैश हो रहे हैं या फिर ईगो इशू देखने को मिल रहे हैं। सो ओवर थिंकिंग की वजह से भी चीज़ें बदल रही हैं। जिस रिलेशनशिप को लेकर हमारे DM काफ़ी पैशनेट फील किया करते थे, जिस DF से उन्हें स्ट्रेंथ मिला करती थी, आज उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आज उनके पास कुछ भी नहीं है। वो प्यार, वो फीलिंग सब खत्म हो गई है। हालांकि वो प्यार, वो फीलिंग आज भी उनके अंदर है और वो आज भी उस पैशनेट के साथ अपनी DF से लव को फील कर रहे हैं, पर DF उन्हें वो प्यार या वो मौका नहीं दे रही है जिससे वो उस एनर्जी में आए। सो वो साइलेंट हो गए हैं और सब कुछ उन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट हो रही है, जिस कारण वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अगर वो किसी बिजनेस आदि में है तो उन्हें वहाँ से भी लॉस हो रहा है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। सो वो अपना फोकस वहाँ बनाए हुए है, उन्हें फील हो रहा है कहीं मैं यहाँ भी सब लॉस ना कर दूँ। सो फ्यूचर को संवारने या बिजनेस ग्रोथ की ओर ले जाना के लिए भी वह वहाँ फोकस बनाए हुए है, और अपनी DF से एनर्जी ना मिल पाने के कारण उनका फेस पर वो स्माइल भी नहीं आ रही है और DM और DF में वो स्माइल मिसिंग है और एक दूसरे के फ़ोन और मैसेज का वेट कर रहे हैं। DM कंटिन्यू स्टॉक कर रहे हैं DF को, सोशल नेटवर्क की साइट पर भी नज़र बनाए हुए है। वो अपनी DF से एक बार बात करना चाह रहे हैं बट खुद से आगे नहीं बात कर रहे हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो किसी को दुख ही नहीं करना चाहते, बट वो कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी DF के साथ वही प्यार वाला कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और खुद से ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं। DF को कुछ नहीं बोल रहे हैं और दोनों ही स्टक एनर्जी में आ गए हैं। चीज़ों को एक्स्ट्रा एनालाइज करते हुए हमारे DF की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं बट उन्हें रिलीज कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं कुछ फेमिनिन की लाइफ में काफ़ी अप और डाउन से गुजर रही हैं और 11-1 के पोर्टल में उनमें एक होप उन्हें नज़र आ रही है और वो उम्मीद उन्होंने खो दी थी, अब वो चेंजिंग अपने में फील कर रहे हैं। बहुत सारे दुख तकलीफ के बाद आज उनकी सोच बदल रही है और वो पॉजिटिव होकर फिर से होप की एनर्जी में आ रहे हैं, जिस कारण उनकी लाइफ में एक सडन चेंज आने वाला है और उनके मैस्कुलाइन जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, अब वो भी उनकी बातों पर गौर करते नजर आएंगे। DF की लाइफ में फिर से DM के लिए लव को और इमोशंस को फील करते नजर आ रहे हैं। यह चेंजिंग उन्हें कल से ही फील होने लगी थी। बहुत सी DF जो अपने DM से नाराज चल रही थी, अब उनकी नाराज़गी दूर होती नज़र आ रही हैं। जो DF काफ़ी टाइम से अपने DM से अपनी बातें मनवाना चाह रही थी, जहां DM नहीं मान रहे थे, अब वो भी मान सकते हैं या फिर DF एक्सेप्टेशन में आ सकती हैं और खुद ही
एक होप के साथ अपनी डीएम से कमिटमेंट में आ रही हैं। और अगर दोस्तों अगर ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो 11-1 के पोर्टल में मुझे ड्रीम में रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पर अटैक होते दिखा। रूट चक्र जो कि 4 पंखुड़ियों वाला रेड चक्र है और इसे आधार चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र नींद और भोग संभोग से जुड़ा हुआ चक्र है। और इस 11-1 के पोर्टल में बहुत से ट्विन सोल्स का यह चक्र ब्लॉक है, जिस कारण से उनमें अपने ट्विन को लेकर इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है और साथ ही इनमें फियर इशू नज़र आ रहा है, क्योंकि इस चक्र पर अर्थ एलिमेंट का इफेक्ट रहता है और इन दो तरह की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। इसके इनबैलेंस होने से इंसान कुछ नहीं कर पाता। जब वो किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसे सोल्व करने में हेल्पलेस हो जाता है, उसे सोल्व नहीं कर पाता, कुछ भी एफर्ट ना लगाता और ना ही चीज़ों को ठीक ही कर पाता है। इस चक्र को स्ट्रोंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपनी ट्विन के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे और लो एनर्जी में रहते हुए बस खाना पीना सोना ही करोगे। ना आपका मन कहीं लगेगा और ना ही आप बैलेंस होंगे, बस 3D में फंसे रहोगे। इसलिए इस चक्र को स्ट्रोंग बनाएं, जिसके लिए ज़रूरी है अध्यात्म या मेडिटेशन की। वहीं दोस्तों नेक्स्ट डे मुझे दिखाया गया कि मेरे सोलर फ्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र पर जोर से अटैक हुआ है। और जैसे ही मुझे अटैक हुआ तो मेरे बैक यानी रीढ़ की हड्डी पर पेन हुआ है और पीछे से कोई बोल रहा था कि हार्ट अटैक आया है। तो दोस्तों इस ड्रीम से मैं कैसे रेजोनेट कर सकती, मेरी सोल फैमिली मुझे कमेंट कर बता सकती हैं ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूं। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सोलर फ्लेक्सस येलो कलर का 10 पंखुड़ियों वाला 3रे नंबर का चक्र है, जो बुद्धि और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व माना गया है, जिसका एलिमेंट अग्नि है, जो नाभि के करीब 4 अंगुल ऊपर की ओर होता है, जो चेतना का केंद्र बिंदु माना गया है, जो शरीर के अंदर ऊर्जा का संतुलन करता है। इट्स मीन मणिपुर चक्र क्रिया या डाइजेशन का काम करता है। यह पेट लीवर और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है और खुद के लिए व अन्य के लिए मान सम्मान को मन में बैठा देता है, यानी दूसरे को भी सम्मान देता है और खुद को भी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है। जब यह चक्र बैलेंस नहीं होता तो डाइजेशन इश्यू होता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होती है और हेल्थ खराब हो सकती है। साथ ही कॉन्फिडेंट लेवल डाउन हो जाता है, फियर की भावना उनमें बढ़ जाती है और वह अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेल्फ इस्टीम कम हो गया है या कॉन्फिडेंट लेवल वीक हो रहा है तो आपको पीली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे केले चने की दाल खाएं, सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए, पीले कपड़े पहनना चाहिए। जिन ट्विन सोल्स को यह चक्र वीक है, या यूं कहें कि जो सोल लो एनर्जी में है, जिनको पेट से रिलेटेड इशू हो रहे होंगे और डाइजेशन प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, साथ ही अपनी जर्नी को लेकर या अपने अदर हाफ को लेकर भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल डगमगा रहा है और दोनों ही किसी भी तरह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ना ही ठीक से कोई काम ही कर पा रहे हैं, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, बस अपने ट्विन को लेकर इनसिक्योरिटी की भावना और फियर की भावना में आ रहे हैं। और साथ ही मैस्कुलाइन के रूखे बिहेवियर के चलते बहुत सी DF एंगर इशू में नज़र आ रही हैं और इस तरह से बहुत सी सोल्स पर यह इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। स्ट्रोंग करना या इन ब्लॉकेज को दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, अन्यथा आप ऐसे ही फियर में फंसे रहेंगे और अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इन सब चीज़ों को या ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आपको अध्यात्म या मेडिटेशन की ओर
बढ़ना चाहिए और डिवाइन में अपना ध्यान लगाएं, अपने चक्रास पर वर्क करें, इनर वर्क करें और अपनी चेतना को ऊपर की ओर लेकर जाएं और चक्र को बैलेंस करें। इन चक्रों के इनबैलेंस होने के कारण बहुत सी सोल्स को पेट से रिलेटेड इशू हो रहे होंगे, पेट दर्द या बैक पेन, रीढ़ की हड्डी में पेन, हाथों में ऊपर की ओर पेन या हेडेक को फेस कर सकते हैं। बहुत सी सोल्स जिसका थ्रोट चक्र इनबैलेंस है उनको गले से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का चैनल मैसेज। जो डीएफ या डीएम इस प्रकार की एनर्जी में है उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि वह अपने आप को डिवाइन की ओर मर्ज करें, उन्हें सरेंडर करें और साथ ही मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है तो भी चाहे आप थोड़ी देर के लिए करें, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए करें, तब भी एक बार मेडिटेशन ज़रूर करें और ख़ुद पर इनर वर्क करें ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सके और जो भी इस टाइम चेंजिंग आ रही है और उसके बाद जो आपको मिरेकल देखने को मिलेंगे उसके लिए वेट करें। तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आने वाली है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।